तो भाई फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। और आप ये देखो, एक इसमें ये मेरे को ना बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है, चाबी लगाओ और अगर दरवाज़ा खुला हो ना, ये बीप करने लगती है और कंटिन्यूस ऐसे घुमा दो तो बंद हो जाती है। तो दरवाज़ा खोल के अगर आप बैठना चाहते हो, चाबी लगा के गाने सुनना चाहते हो, तो आवाज़ वैसे तो नहीं करेगी, लेकिन आप पहली बार ही लगाते हो तो आवाज़ थोड़ी बहुत ज़रूर से करने वाली है। तो बैठते ही तो देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, और जैसे गर्मी आ गई है ना, तो आपको हल्के हल्के शीशे खुले रहने देने चाहिए, बिल्कुल इतने इतने से शीशे सारे, क्योंकि अंदर ना वो नहीं बनता, वैक्यूम नहीं बनता, और क्या कहते हैं उसमें थोड़ी सी भपका कहते हैं ना गर्मी में, वो नहीं बनता, हीट अंदर कैप्चर नहीं होती ज़्यादा, तो वो एक बचाव हो जाता है। और बाकी अगर बात करें तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिप इसकी, और रेंज दिखा रही है 104, चलिए अभी जीरो है क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट की है, एक मिनट भी नहीं हुआ है स्टार्ट करे हुए। अब भाई कोई कहेगा कि रीसेट करा कीजिए, नहीं भाई इतना झूठ बोलेंगे कि आप लास्ट वीडियो में देख लेना इतने किलोमीटर पर छोड़ी थी, अब भी इतनी किलोमीटर पर छोड़ रहे हैं, लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो और भाई बेल्ट कहाँ गई, बेल्ट लगा ली। अब भाई कोई बेल्ट के लिए कहे अगर, तो बेल्ट भाई इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ना नीचे जो बेल्ट आती है यहाँ पे, तो वो पेट पे टाइट टाइट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे लगा लेता हूँ डायरेक्ट। तो अब बैठते ही आपको सबसे पहले जो काम करना, थोड़ी देर शीशे खोल लेना, क्योंकि वो जो हीट होती है ना, मैंने सुना है कि ये हीट जो है ना कैंसर को प्रॉब्लम वो देती है जन्म। तो शीशे खोल लो आप एक बार, वेंटिलेशन अच्छे से होने, तो प्रॉपर एक बार वेंटिलेशन हो जाए फिर आप उसको बंद कर सकते हो। तो भाई अभी मैंने शेड लगा रखा, बिल्कुल आपको सामने से दिख रही होगी, भाई बहुत तेज़ धूप आ रही है सामने से, बिल्कुल जस्ट बहुत तेज़ धूप आ रही है, इसलिए मेरे को लगाना पड़ा आज ना मजबूरी में। और आज मैंने उस रेड लाइट से तो निकल के बात करी, अब यहाँ जिस रेड लाइट पे पहुँचा हूँ वहाँ पे भाई ग्रीन हो रही है, तो अभी यहाँ से मेरे को जाना है लेफ्ट की तरफ, और बस थोड़ा ये हट जाए फिर मैं लेफ्ट जाके बात ही करूँगा। तो भाई लेफ्ट तो मोड़ लिया मैंने, और ये शेड लगा रखा था, अब सामने से धूप चली गई है बिल्कुल, मतलब सूरज सर पे चढ़ रहा था, और ये मैंने जो है अभी डार्क मोड पे कर रखा है, मतलब नाइट वाले उस पर कर रखा है, डिम कर रखा है इसको, और बाकी थोड़ा देख के ही चलाऊँ वैसे तो, क्योंकि एक स्कूटी वाला ऐसे आया है बिल्कुल आड़ा टेढ़ा काट के, ये क्योंकि स्टाइल में आते हैं, अभी इन्हें पता नहीं कई बार स्टाइल मारने से क्या हो जाता है, तो इन्हें मैं तो कहता हूँ पता भी ना लगे, ठीक चलते रहे, लेकिन इन्हें देखना चाहिए कि क्या क्या हादसे होते हैं क्या क्या नहीं होते, इन्हें अपना बचाव करना चाहिए, नहीं करते तो यार इन्हें कौन समझाए। आप एक बार धूप देखो कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ रिफ्लेक्शन है भाई, आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो अब साइड में तो देखो कुछ है नहीं, इसे मैं साइड कर सकता हूँ शेड को, लेकिन मैं कर नहीं रहा फिलहाल। और ये जिस एरिया पे आया हूँ भाई, यहाँ पे पत्ते पत्ते गिर रहे हैं, तो ऑटम आने वाला है, तो उसकी निशानी है पतझड़, जैसे कहते हैं ना पतझड़ की निशानी आए सारी, तो बढ़िया लगता है ये भी मौसम, लेकिन भाई ठंड ज़्यादा बढ़िया लगती है मेरे को तो पर्सनली मैं बताऊँ, और गर्मी मतलब ठीक ठाक ही लगती है। एक जो होता है ना अक्टूबर नवंबर का मौसम, वो सबसे बढ़िया मौसम होता है भाई, तो वो मौसम तो सही लगता है मेरे को। और बाकी बात करें तो अभी मैं 1.8 की चला चुका हूँ, और माइलेज जो मिल रहा है 9.4 KMPL का माइलेज मिल रहा है मेरे को फिलहाल। और भाई गोलगप्पे वोलगप्पे लोग बेचते रहते हैं, इनको देख के हमारा मन करता है, लेकिन हेल्थ की वजह से फिर अवॉइड कर देते हैं कि नहीं हेल्थ पहले है स्वाद बाद में है भाई। और ये ऊपर था क्या, थोड़ा बहुत ऊपर लग रहा था मेरे को ऐसा लग रहा, चलो कोई नहीं यार इसको भी सेट कर लेते हैं। और फिलहाल उसी रोड पर आ चुका हूँ मैं एक बार, आप देख लो, और 2 किलोमीटर एग्जैक्ट हो गई, 1.9 किलोमीटर उस समय थी, अभी 2 किलोमीटर एग्जैक्ट हो चुकी है। और बाकी सड़क के हाल की बात करें तो अभी सड़क तो देखो खाली खाली पड़ी है, जब कुछ भरी आती है तब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या कुछ है। और यार एक बात है, इसका हैंडल जरा स्टेयरिंग जरा सा भी छोड़ो तो लेफ्ट को भागती है, इसमें लेफ्ट का भाई स्टार्टिंग से इशू है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो इसका स्टार्टिंग से ही इशू है यार बिल्कुल, तो यार वो चीज़ गलत है बिल्कुल, वो होनी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ख़राब था, पहली बार इसको पीछे से आ रहा है वेन्यू वाला बहुत तगड़े काट के, यूं यूं आ रहा है बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी करके, तो पता नहीं यार हम तो सीधे चलते हैं, अभी साइड में से निकली MG, अब निकलेगा वेन्यू वाला, ये आया ये देखो ये है भाई DLCW 1027, मैंने सुना है दिल्ली में आजकल लोग तमीज़ से चलाते हैं आजकल, लेकिन भाई इसको देख के लग नहीं रहा, ये जैसे चला रहा है ना टेढ़ी मेढ़ी, इसको देख के लग नहीं रहा कि हाँ ये तमीज़ से चलाने वाला बंदा होगा, अभी बहुत अजीब से चला रहा है भाई ये टेढ़ी आड़ी टेढ़ी, ये देखो 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 कैसे कैसे काट रहा है, अब तो सामने दिख गया भाई, थोड़ा सा जूम कर लेना उसमें ना यूट्यूब पर आप, और साइड में टायर में स्टोन चिपिंग हो रखी है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, आ रही हो तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। आजकल भाई हर कोई बदतमीज़ से चलाता है यार, कोई तमीज़ से, कोई बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो तमीज़ से चलाते हैं, हम जैसे लोग भाई इतने तमीज़ से चलाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने हाथ से देख रखे हैं भाई, बहुत स्पीड तेज़ की करनी हो ना, स्पीड तेज़ करनी हो तो खाली रोड पे करते हैं, वरना भाई स्पीड तेज़ नहीं करता मैं, बिल्कुल ऐसे चलाता हूँ तमीज़ से, टाइम से ब्रेकिंग टाइम से सब। और एक और रेड लाइट आ गई है,
तो अब यहाँ से निकलते हैं किसी स्पॉट पे जाके बात करते हैं। अब वो वेन्यू वाला भाई बोरा सामने खड़ा है। तो भाई उस गांव वाली रोड पे फिर से आ चुका हूँ जो रात को दिखाई थी ना आपको रात वाली वीडियो में, वो आपको भाई उसी रोड पे वापस आ चुका हूँ। तब तो मैंने रात को दिखाई थी, रात को आया था, पता नहीं उससे पिछली वाली वीडियो में आया था यार, याद नहीं रहता मेरे को ना इतना। तो अब दिन में आ चुके हैं भाई उसी रोड पे, तो अभी देख लो दिन में भाई कितनी भीड़ रहती है और रात में देखो कितना सुनसान था। मेरे ख्याल से तो रात में ही आया था यार जहाँ तक मेरे को याद है। अभी देख लो दिन में सारी मार्केट वार्केट लगी रहती है इधर, ये देखो भाई सारी इधर मार्केट लगी रहती है, संडे बाजार कह लो। अब बहुत शहरों में तो जहाँ पे कम स्पेस होती है ना वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर दिन पे ही लगते हैं, यहाँ तो भाई ये इस वाली रोड पे तो रोज लगा रहता रोज। और इधर एक जूस शॉप भी है, कबाड़ी वबाड़ी सब इधर दुकानें हैं भाई मस्त सारी एकदम भरी भरी दुकानें हैं इधर। आगे भी होगा भाई कुछ ना कुछ, राधे स्वीट्स एंड स्नैक, सही है भाई। घर भी है, घर में ही लोगों ने नीचे दुकान बना रखी है, रेजिडेंशियल सा लग रहा है एरिया। ओह मर्सिडीज आ गई AMG। चलो भाई अब ये देखो ये कैसा इलाका है और सामने देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई ऐसे ही है भाई, यहाँ पे कहीं भी छोटे से इलाका आ जाता है, कहीं भी बड़ा सा इलाका आ जाता है। तो और ये साला पीछे गया, क्या बोलूँ मैं, अब गाली भी नहीं दे सकता मैं, गुस्सा तो आता भाई ऐसे लोगों पे। रॉन्ग साइड पे ला रहा है मोड़ पे, खैर धीरे था किसी गाड़ी के पीछे था तो धीरे था, वरना रॉन्ग साइड थी उसकी ऑलमोस्ट। भाई क्या ही बोले ऐसे लोग। अगर फिलहाल बात करें तो 3.8 किलोमीटर चल चुकी है और माइलेज दिखा रही है 12 KMPL का। तो भाई माइलेज तो ठीक ठाक ही निकाल देती, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइट फुट रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लाइट फुट। तो ये है भाई एक नुकसान ना, मैनुअल में तो आप ऊपर वाला गियर डाल के देखो RPM अपना कम रख सकते हो और अपना टॉर्क बढ़ा सकते हो, तो माइलेज आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आपको भाई अपना पंजे पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो ही आपको माइलेज मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो भाई यहीं खत्म करते हैं। आप इसमें देख लो 4 किलोमीटर चल चुकी है, 12 KMPL का माइलेज दिखा रही है। और भाई टायर में इसके जो आते हैं C8 के, उसमें भाई बहुत ज़्यादा स्टोन चिपिंग मेरे को महसूस हुई। खैर हर टायर में होते होंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही पता नहीं मेरे को महसूस हुई कि स्टोन चिपिंग इसमें ज़्यादा ही होती है कुछ। अब या तो क्रीज जो बना रखी है वो थोड़ी कम चौड़ी बना रखी है तो इसलिए ज़्यादा होती है, तो जो भी है भाई। चलो भाई आज की वीडियो एंड करते हैं, और एंड करते करते आपको मैं बता दूं कि भाई ये चल रहा है हमारा 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज, जिसमें हम आपको i20 ड्राइव करके दिखाने वाले हैं 30 डेज तक रेगुलर। और भाई और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, दो पेजेस हैं, एक तो KR पीयूष और एक यूट्यूबर 2684_2684, स्क्रीन पे तो लिख ही दूंगा मैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रगणों से भी करवा लेना भाई, अपने दोस्त यारियों से परिवार से करवा लेना, पूरा फैमिली फ्रेंडली चैनल है हमारा, ठीक है भाई, थैंक यू।